मध्य प्रदेश में पुलिस का एक बार फिर अमानवीय चेहरा सामने आया है, जहां तीन पुलिस वाले एक व्यक्ति की बेरहमी से पिटाई करते नजर आ रहे हैं। बेरहमी की हद पार करते ये पुलिस वाले युवक के गले पर लात रखकर उसकी डंडों से पिटाई कर रहे हैं। ये वीडियो होशंगाबाद के सिवनी मालवा थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। सरकार चाहे जितने सुशासन के दावे करे, परंतु मध्य प्रदेश पुलिस सुधरने का नाम नहीं ले रही। पुलिस का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें पुलिस वाले एक व्यक्ति की बेरहमी से पिटाई कर रहे हैं। वीडियो में तीन पुलिसकर्मी एक व्यक्ति के गले पर पैर रखकर बेरहमी से लाठी से पिटाई कर रहे हैं। वीडियो में दिखाई दे रहा युवक एक ट्रैक्टर मालिक बताया जा रहा है, जिसे पुलिसकर्मी पीट रहे हैं। युवक की गलती ये थी कि उसने अपना ट्रैक्टर किसी को किराए से दे रखा था और वो रेत चोरी में पकड़ा गया था, और शासन के नियमानुसार रेत चोरी में पकड़े जाने पर वाहन मालिक के खिलाफ भी चोरी का मामला दर्ज किया जाता है, जिसके अंतर्गत युवक पर चोरी का मामला दर्ज किया गया था। पुलिस ने आरोपी को पकड़ने के बाद सड़क पर पटक कर उस पर लात रखकर उसकी पिटाई की। इस मामले को लेकर SDOP सौम्या अग्रवाल ने जांच की बात कही है। जी, अभी अभी आप ही के द्वारा मुझे ये वीडियो बताया गया, जो मैंने संज्ञान में लिया है, और इस पे मैं जांच करती हूँ कि ये मामला क्या था और ऐसा कृत्य किस किस के द्वारा किया गया है और क्यों किया गया है, इससे हम जांच करेंगे और कार्रवाई की जाएगी। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।